हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सचि क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वुमेन आइज के बारे में, मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र कार्निया क्या काम करता है? छिद्र क्या है? दृष्टिपटल क्या है? आयरिस क्या काम करता है? अंधबिंदु का क्या है? हम इनके विभिन्न अंगों के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि नेत्र दान करते समय नेत्र से क्या दान किया जाता है। हमें इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके जल्दी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना समय जाए कि हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है कॉर्निया। तो कॉर्निया आइस की जो होती है एक विशेष प्रणाली होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया ये पर कॉर्निया अपना ये आगे की परत ये आप देख सकते हैं कॉर्निया है। कॉर्निया नेत्र, ये अपना नेत्र है, ये कैसे आकार में? गोल के आकार में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि गोल के आकार में है अपनी ये जो आइस है। ये यहाँ तो सिंपल है बट अंदर जो ये गोल के आकार में है, तो इसे क्या लिखा है? नेत्र गोलक के, नेत्र गोलक, ये नेत्र का इसका गोलक हो गया। नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। देखिए ये उभरा हुआ है, ये बाहर की ओर उभरा हुआ है। नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ पारदर्शी होता है। पारदर्शी, पारदर्शी नहीं होगा तो हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए पारदर्शी होता है। देखिए ये हमारी, ये जो हमारी आंख में ये काला जो देख रहे हैं काला क्षेत्र, ये पारदर्शी, इसी को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया पारदर्शी होता है और प्रकाश जो है इसी रास्ते से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। आप कभी देखिए, आपको कैसे मालूम पड़ता है कि ये चीज, ये पेड़ है, ये पौधा है? जब सूर्य का प्रकाश उस वस्तु पे पड़ता है, उस वस्तु से प्रकाश रिफ्लेक्स होकर हमारी कॉर्निया पे पड़ता है। जब हमारे कॉर्निया पे वो प्रकाश आता है तो हमारा ये जो दृश्य होता है वो रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पे। तब हमें मालूम पड़ता है कि ये हमारा पेड़ है, पौधा है, इससे हमें तब दिखता है। अंधेरे में, अंधेरे में प्रकाश ना होने के कारण इसलिए हमारी पुतलियों को फैलाना पड़ता है जिससे हम देख सकते हैं। तो ये अपना कॉर्निया प्रकाश इसी रास्ते अंदर जाता है। तो आप आइए, ये आप समझ गए होंगे पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है आइरिस। आइरिस, चलिए आइरिस बताने से पहले मैं आप सबको एक बार और बताता हूँ। कॉर्निया नेत्र दान करते समय जो नेत्र दान करते हैं उनकी आंखें नहीं निकाली जाती हैं, बल्कि कॉर्निया को ही, उनकी आंखों से कॉर्निया को ही डिसमेंटल कर दिया जाता है, निकाल कर नेत्रदान कर दिया जाता है। ये थोड़ी ना होता है कि नेत्रदान में आंखें निकाल के उसकी बदल दी जाती है, नहीं। नेत्रदान में बस कॉर्निया को ही ऑपरेशन की जाएगी, कॉर्निया को ही सही से निकाल के दान कर दिया जाता है, या मतलब कुछ भी कर दिया जाए, बट नेत्रदान में लेंस ही, क्या कहते हैं, ये कॉर्निया ही निकाली जाती है। आई होप आपको समझ में आया। अब हमारा अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है आइरिस। आइरिस नेत्र की, नेत्र के बाद मुख्य पटलिया, आप देख रहे हैं उभरा हुआ जो है ये आइरिस के जस्ट बगल में, लेंस के नीचे और ऊपर, लेंस के नीचे और ऊपर, ये जो देख रहे हैं आप उभरा हुआ साइड है ब्लैक कलर का फ्रेंड, इसी को बोलते हैं आइरिस। कार्निया देखिए, आप वो देख सकते हैं, ये कार्निया है, ये अपना कार्निया है। कार्निया के पीछे है, जस्ट कार्निया के पीछे की ओर रंगीन काली भूरी अथवा नीली। अब आप पूछेंगे ये काली भूरी और नीली क्या है? देखिए काली मतलब आंख का कलर, मैंने बताया कि हमारी आंख का जो ये ब्लैक डॉट है ब्लैक कलर का, तो आप देखे होंगे कई लोगों का भूरा भी होता है, नॉर्मली लोगों का तो ब्लैक होता है, कई लोगों का भूरा भी होता है और किसी किसी का भी नीला भी होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया इसका कलर, ये तीन कलर में मतलब पाए जाते, काली भूरी और नीली, ये तीन कलर में पाई जाती है आइरिस। तो आइरिस की काली भूरी अपारदर्शी, अपारदर्शी। अब मैं बताता हूँ, देखिए ये जो हमारे नेत्र में सफेद सफेद है, ये जो सफेद सफेद है इसी को बोलते हैं आइरिस। यही है आइरिस, अपना आइरिस आपको सीधा समझना है तो ये जो अपने नेत्र में जो सफेद सफेद है यही अपना आइरिस है, इसी को आप सिंपल समझ सकते हैं आइरिस, वही अपारदर्शी होता है। आप उसके आर पर देख सकते हैं, नहीं ना, नहीं ना, मगर आप कार्निया के आर पर देख सकते हैं, अपनी शक्ल आप अगले व्यक्ति की आंखों में देख सकते हैं, हाँ, तो इसलिए वो अपारदर्शी होता है, वो पारदर्शी होता है, ये आइरिस अपारदर्शी होती है। आइरिस, आइरिस का फ्रेंड्स कार्य क्या होता है, मतलब उसका वर्क क्या होता है? आइरिस का वर्क होता है प्रकाश को नियंत्रित करना, प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करना हमारी आंखों में। आइरिस, अब हम आपको एक फॉर एग्जांपल देते हैं, अचानक से समझ लीजिए आपकी आंखों पर अचानक से तेज प्रकाश डाल दिया जाए, तो अचानक से आप रुक जाते हैं, बंद करो ये अचानक से
तो उस टाइम आपकी आईरिस जो होती है एकदम नर्वस हुई होती है, तो उस टाइम आप अंधेरे में देख रहे होंगे कि अंधेरे में होंगे ये के साथ होता है, तो उसी का तब आईरिस अंधेरे आईरिस का काम है। फिर उसे कुछ देर बाद पश्चात आप देखने भी उस उजाले में भी आप देखने लगते हैं, तब आपकी आईरिस काम करना शुरू कर देती है। अभी अचानक देखिए और आईरिस का एक फायदा है, अभी आप सूरज को देखिए कभी, तो सूरज को देखते आपकी आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, और कभी अंधेरे में देखिए तो आपको फैलाना पड़ता है, ये आईरिस स्वयं करती है। आईरिस ये कार्य अपना स्वयं करती है, ये नहीं कि आपको करना पड़ेगा, ये आईरिस अपने आप करती है। आप अधिक उजाले में जाइए, उजाले में जाइए तो आपकी अभी जैसे सूरज को देखिए आपकी आईरिस जो भी सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है छोटी, और जब यही अंधेरे में आ जाते हैं तो ये फैलने लगती है, मतलब फैल के देखना चाहती है कि मुझे अंधेरे में भी साथ दिखे। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट आपका फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट्स की ओर, नेत्र लेंस। लेंस आप जानते हैं कि मानव नेत्र में लेंस एक बहुत उपयोगी प्रणाली है, तो हम बात करेंगे अब लेंस की। तो देखिए पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्वि उत्तल लेंस, ये देखिए हमारी पुतली, ये से पुतली कहते हैं, ये जो है ना ये जो गोल देख रहे हैं आप, गोल गोल डिजाइन है, इसे हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। और छिद्र भी, इसका जिसका नाम छिद्र भी है, फ्रंट मैन पर छिद्र, बट मैं आपको समझाने के लिए पुतली बता रहा हूँ, ये इसे पुतली कहते हैं। पुतली के पीछे पारदर्शी, मैंने बोला ये पारदर्शी होता है, पारदर्शी ना हो तो हम देख नहीं सकते। पारदर्शी उत्तकों का बना द्वि उत्तल लेंस होता है। द्वि उत्तल मतलब आप देखे होंगे, आप कभी आपने फॉर एग्जाम्पल ये आप कर लीजिए, आप अपने फ्रेंड्स या भाई किसी के आंखों में खड़े होकर देखिए, तो आप दो देखिए उसकी आंखों में भी दिखेंगे तो दो बार आपकी तस्वीर दिखेगी, उसकी भी दिखेगी अपनी भी दिखेगी। तो वही कह रहे हैं पारदर्शी उत्तकों का बना द्वि उत्तल लेंस होता है, जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। आप देखिए यहाँ पे बाहरी वस्तुओं का उल्टा छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, उसे लेंस कहते हैं। और इसके पीछे दृष्टि पटल, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे दृष्टि पटल, ये यहाँ दृष्टि पटल रेटिना पे बनता है, ये अपना दृष्टि पटल रेटिना पे बनता है लेंस। और हम आपसे बात करें लेंस जो है मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली, लेंस जो है मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सीलियरी, सीलियरी प्रणाली, सीलियरी प्रणाली द्वारा हम इसे जानते हैं। और लेंस पे सीलियरी प्रणाली द्वारा लेंस पे उपयुक्त दाब डालकर उनकी फोकस दूरी, वक्रता फोकस दूरी को कम या घटा बढ़ाया घटाया जा सकता है। अभी लेंस जो है आप देखते होंगे आपको दूर क्यों नहीं दिखता होगा, आप जब बहुत ज्यादा ऐसे देखते होंगे आंख एकदम फाड़ देता है आपको बहुत दूर का कहीं दिखता होगा, हाँ तो क्या कहते हैं सीलियरी प्रणाली उस वक्त अपना कार्य करती है, उस उपयुक्त दाब डाल के, उस पर दाब डाल के वो और आपको दूर तक दिखाना चाहती है। और आप कभी अपनी आंखें थोड़ा ढीम करके देखिए तो उतने टाइम क्या होता है, उसने टाइम सीलियरी प्रणाली अपना कार्य करती है, क्या कर उतने टाइम उपयुक्त दाब नहीं डालती, उसे उठाती चली जाती है, उठाती जिससे आपको धीरे धीरे आपको दिखाई दे। और क्या कहते हैं जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको यही प्रॉब्लम आती है, जब उनकी क्या कहते हैं सीलियरी प्रणाली काम करना बंद कर देती है, आईरिस थोड़ा धुंधलापन हो जाता है, तो वही होता है, उसी वक्त उनको धुंधला सा कुछ दिखाई देने लगता है,